आप सभी को चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आकृति आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आज फिर अपने नए क्वेश्चंस के साथ आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं, लाइव आ चुके हैं हम। आप सभी लोग भी लाइव आ जाइए, प्रॉपर अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैम लाइव आ चुकी हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को राधे राधे, सभी को सुप्रभात मेरी तरफ से। सभी लोग प्रॉपर जुड़ जाइए भाई, एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए। सबसे पहले भाई आप सभी लोगों को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप सभी लोगों को ढेर सारी क्या बोले, बहुत ज़्यादा, कि आप सभी लोग बहुत जल्द जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक बनने का जो सपना है वो आपका जल्द से जल्द पूरा हो, इसलिए आप सभी लोगों को भी मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, चांदनी है, निकलेश है, कुमार पप्पू हैं, मनीष, पवन, महक, संदीप वर्मा, निकलेश, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोग प्रॉपर जुड़ जाइए। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं अपने। सभी लोग अपने दोस्तों को, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग प्रॉपर जो लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग प्रॉपर जो लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का और आप सभी लोगों के आंसर आना भी स्टार्ट हो गए हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और उसका आंसर आप सभी लोगों के सामने दिया गया है, ठीक है। सभी लोग अब आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर कीजिए। देखिए आंसर आप लोगों के आना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने दिया गया है। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों का युग्मों में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपातकाल स्थिति लागू करने के द्वारा निलंबित नहीं हो सकता है, ठीक है। फिलहाल तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 359 के अंतर्गत पूछा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत, आप सभी लोग सबसे पहले जानते हैं, ये बताइए कि आपातकालीन उपबंध, ठीक है, आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान का जो भाग 18 है ये आपातकालीन उपबंधों के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? आपातकालीन उपबंधों के बारे में बताता है। ये आपको पता होना चाहिए और ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए मैंने कई क्लासेस में आपको ये बताया हुआ था, ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में इसकी बात कही गई है। सभी को पता होना चाहिए, किसी के तरफ से ये कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आपके जो ये है ना इमरजेंसीज हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछी गई हैं, तो इसके लिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। 352, 356, 360 पहला आपका जो है वो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। क्या बताता है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है अनुच्छेद 352। फिर देखिए जरा दूसरा आपका है राष्ट्रपति शासन, दूसरा आपका क्या है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। 352 के बाद क्या है? अनुच्छेद 356, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा वित्तीय आपातकाल है, ठीक है, क्या है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल किसमें बताया था? अनुच्छेद 360 में, 352, 356, 360, ठीक है। याद रखिएगा ये, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं तो ये आपने किस देश के संविधान से लिया हुआ है, तो सभी लोग बताएंगे मुझे इसका आंसर कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं ये आपने कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। ये आपने कहाँ से लिया हुआ है? जर्मनी के संविधान से, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? जब पूरे देश में राष्ट्रीय स्थिति, राष्ट्रीय लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पे क्या होता है, भारत की स्थिति को खतरा होता है, आंतरिक एवं बाह्य आधार पे, दोनों आधार पे ये हो सकता है, तब आपका क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में कितनी बार लग चुका है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में 3 बार
चुका है, ये आप लोग याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, भारत चीन युद्ध के समय और आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, ये चीजें हो गई। दूसरा देखिए जरा, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन क्या है, राष्ट्रपति शासन आपका अनुच्छेद 356 है, याद रखिएगा। ये कहाँ लगता है, राष्ट्रपति शासन जो लगता है आपका, ये राज्यों में लगता है। कहाँ लगता है, राज्यों में लगता है। जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस राज्य के राज्यपाल को अगर ऐसा लगता है तो वह राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं कि कुछ समय के लिए आप क्या करिए, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए, इसलिए उनके आग्रह पर। तो ये कहां लगता है, राज्यों में लगता है। तो भारत का पहला राज्य जहां पे राष्ट्रपति शासन लगा, आप सभी लोगों को पता है, पंजाब, इसे याद रखिएगा। फिर सर्वाधिक बार कहां पे लगा था, तो सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में लगा था, 10 बार। इसके अलावा आगे अगर चेंजमेंट होता है तो आप समय के साथ इसे अपडेट कर लेंगे। आगे देखिए जरा, वित्तीय आपातकाल क्या होता है, जब भारत की वित्तीय स्थिति या साख एवं नियंत्रण को खतरा होता है तब आपका क्या होता है, वित्तीय आपातकाल लगता है। तब आपका क्या लगता है, वित्तीय आपातकाल लगता है। और वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में कितनी बार लगा है, तो एक भी बार नहीं लगा है, याद रखिएगा। जो वित्तीय आपातकाल है अब तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है कि अगर मान लीजिए आपातकाल की स्थिति विद्यमान है तो ऐसी स्थिति में आपके कौन से मतलब मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ये तो आपको पता है, निलंबित मतलब सस्पेंड होना होता है, कि सस्पेंड चीजें कुछ समय के लिए होती हैं। लेकिन आपातकाल की स्थिति के दौरान भी क्या होता है, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो आपके निलंबित नहीं होते हैं, वो कौन से होते हैं, तो आपका जो है 20 और 21, कौन सा है, 20 और 21। और 20 और 21 क्या कहता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये याद रखिएगा कि कैसी भी सिचुएशन होती है आपातकाल की स्थिति में, आपके सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी आपसे आपके जीवन जीने का अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। 14 क्या होता है, विधि के समक्ष क्षमता और समानता, ठीक है। 15 क्या होता है, धर्म जाति लिंग वंश जन्म स्थान के आधार पर आप क्या नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है, क्या नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। एक मिनट हम देख रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, बोले हैं जो सेट करते हैं उन भैया को मैंने बोला है, आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो 15 क्या है आपका, धर्म वंश जाति लिंग मूल जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा, 16 में आपका क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन। 24 में आपका क्या बताया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। इस तरह से क्या हो रहा है, आपके सारे मौलिक अधिकार हैं। तो आपने क्या जाना कि आपातकाल की स्थिति में भी आपके मौलिक अधिकार निलंबित तो हो जाते हैं, सस्पेंड तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी आपके जो 20 और 21 है वो नहीं, वो फिर भी आपके पास सेफ रहता है। मतलब सारे मौलिक अधिकार निलंबित होने के बावजूद भी आपसे आपके जीवन जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, इस बात को याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये है, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है। भारत के संविधान में गारंटित मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पर, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक निर्णयों द्वारा। आपको बताना है कि आपके संविधान में जो मौलिक अधिकार आपको दिए जाते हैं वो किस स्थिति में निलंबित किए जाते हैं, ठीक है, किस स्थिति में निलंबित किए जाते हैं आपको बताना है। सभी लोग बताइए, सभी लोग आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए। यहाँ पे कुछ लोग डी दे रहे हो, कुछ लोग बी दे रहे हो, ए भी दे रहे हो,
मतलब मिले जुले आंसर आ रहे हैं आपके। अभी मैंने आपको बताया है ना, अभी मैंने आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए, संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, सबसे पहले आपको पता है ना मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये किसको बताता है? ये आपके मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताता है? आपके मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार कितने से कितने के बीच में है? 12 से लेके 35 तक के बीच में क्या है मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है? क्या हुआ? ठीक है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? 12 से लेके 35 तक में है। फिर देखिए जरा, मौलिक अधिकार आपने लिया किस देश के संविधान से? ले तो ये आपने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? मैग्ना कार्टा की। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में आपके 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस तरह से आपके सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ये सब अधिकार आपको दिए गए हैं। फिलहाल यहाँ पे बताया गया, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि मौलिक अधिकारों को जो निलंबित करने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा के दौरान आप क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। ये चीज आपका यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति विद्यमान होती है उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये चीज आपने जानी कि आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ये मैंने आप लोगों को एक अभी बफरिंग नहीं होगी आप लोगों की, अभी सही कर दिया है यहाँ पे, अभी बफरिंग नहीं होगी, अभी प्रॉपर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको पढ़िए और आंसर दीजिए सभी लोग। इसको पढ़िए और आंसर दीजिए सभी लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अभी प्रॉपर सभी चीजें क्लियर हैं, अभी आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। जो भैया सेट करते हैं उन्होंने प्रॉपर सब चीज सेट कर दिया है। कभी कभी हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ ज्यादा हो जाता है। फिलहाल आप सभी लोग, इतने बच्चों का प्यार रहता है तो सब चीजें परफेक्ट हो जाती हैं। हाँ, अभी अभी तो सब क्लियर है, अभी सब क्लियर है। ठीक है, बफरिंग भी क्लियर है, अभी तो सब ठीक है। एक बार यस कमेंट कर दीजिए कि अभी सब क्लियर है ना, प्रॉपर। अभी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है? सभी लोग यस एक बार कमेंट कर दीजिए कि अभी किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, नो, ओके, थैंक यू सोनी। चलो, बी आंसर कर रहे हो आप सभी लोग। बी आंसर कौन कर रहा है? ए बी सही है, देखते हैं। और आंसर दीजिए, बी दे रहे हो, मैक्सिमम लोग बी दे रहे हैं। देखो, जो लोग बी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, देखते हैं, बी वाले तो गलत हैं। फिलहाल अब देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर आंसर देते हैं। यहाँ पे देखिए, पूछा क्या गया है आपसे, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की कुछ लाइन मिलेगी, जिसकी वजह से केवल डी सही है। संतोष कुमार तिवारी, आपका आंसर देखते हैं। फिलहाल जो बी और सी, ए बी ये सब दे रहे हैं, इनका गलत है। पंचायतों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन्हें पढ़ना है।
60% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो भाई आप सभी लोगों को पता है महिलाओं के लिए 60% सीटें नहीं दी गई हैं, 33% सीटें दी गई हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 60% सीटें नहीं प्रोवाइड की गई हैं, 33% रिजर्वेशन की बात करता है, कितने परसेंट, 33% रिजर्वेशन की बात करता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका पहला पॉइंट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। भैया अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा सभी वयस्कों की सभा होती है। मैंने आप सभी लोगों को बताया था और ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप सभी लोगों को मिलेगा। जब आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों को मिलेगा, जो पंचायत वाला चैप्टर है उसमें आप लोगों को प्रॉपर मिला मिलेगा कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा आपकी एक गांव में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, ठीक है। तो ग्राम सभा क्या होती है, सभी वयस्कों की सभा होती है, याद रखिएगा। अभी सभी वयस्कों की सभा का मतलब क्या हो गया कि आपके भारतीय संविधान में जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसे क्या होता है, उसे मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो वयस्क कौन होते हैं, एडल्ट कौन होते हैं, जो 18+ होते हैं। तो जो भी लोग 18+ हो चुके होंगे वो क्या होंगे, ग्राम सभा में शामिल होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए जरा, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। आप सभी लोगों ने पढ़ा है तीन स्तर होते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो मध्यवर्ती स्तर पर भी तो एक पंचायत है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको सही बताना है तो केवल तीन आपका सही होगा, कौन सा सही होगा, केवल तीन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो बच्चे 20 ए बी कर रहे हैं उनका गलत है। देखिए एक छोटे से वर्ड से ना, इस आप सभी लोगों को लगा ये सब चीजें, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनको प्रॉपर समझ में आया होगा। और ये तीन स्तर पर आप सभी लोगों को पता है, ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, फिर खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति, और जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, तो ये आपका मध्यवर्ती स्तर पर भी एक पंचायत है आपकी, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। आगे देखिए, इसको बताइए, फोर नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सभी लोग फोर नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। फोर नंबर क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग। स्थानीय स्वशासन सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है किसका, संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय
प्रशासकीय का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्थानीय स्वशासन की अगर हम व्याख्या करते हैं तो सबसे बेस्ट व्याख्या आप क्या कर सकते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? आप सभी लोग इसका आंसर देने से पहले मुझे ये बताएंगे कि संघवाद का मतलब क्या होता है। संघवाद का मतलब मुझे बताइए, अभी प्रॉपर वॉइस क्लियर है? संघवाद का मतलब बताइए। एनसीईआरटी में जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर फेडरलिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? फेडरलिज्म के बारे में प्रॉपर आपको बताया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि संघवाद का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कि एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना, ठीक है? संघवाद का मतलब क्या होता है? एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना, जिसमें आपने पढ़ा था स्थानीय स्वशासन, राज्य स्तर पर राज्य स्तर पर राज्य सरकार, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, ठीक है? तो अगर हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो ये किसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है? आपका विकेंद्रीकरण का, डिसेंट्रलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसकी स्टोरी भी प्रॉपर अच्छे से बताई थी कि हमारे यहाँ पे जमीनी स्तर पर भी सरकारों का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस जमीनी स्तर पर या निचले स्तर पर, बॉटम लेवल पर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानी है, ये तभी जान पाएंगे जब यहाँ का कोई व्यक्ति शासन की संरचना से जुड़ा होता है, ठीक है? इसीलिए क्या किया गया, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है, ठीक? अब यहाँ पे बिल्कुल स्थानीय स्वशासन के जनक, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें माना गया है? आज के सेशन का ये क्विज है। जो बच्चे प्रॉपर अभी देख रहे हैं वो अभी कमेंट करेंगे, जो बाद में क्लास को देखेंगे वो सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, ठीक है? आज के सेशन का ये क्विज है आप सभी लोगों के लिए। तो जो अभी क्लास को देख रहे हैं वो अभी बताएंगे, जो बाद में देखेंगे वो बाद में बताएंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है? इसको पढ़िए, आंसर दीजिए, इसको पढ़िए, सभी लोग इसको पढ़िए और आंसर दीजिए, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए सभी लोग। बिल्कुल वेरी गुड, मैक्सिमम लोग जो कह रहे थे बिल्कुल सही है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इसको पढ़ो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, ठीक है? कारण बताया गया है, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। तो यहाँ पे देखिए जरा, स्टेटमेंट तो आपका सही है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो आपकी स्थानीय स्वशासन है, मतलब जो ग्राम पंचायत है, उसका क्या किया गया था, 73वें संविधान संशोधन के तहत जो 11वीं अनुसूची है उसके माध्यम से जोड़ा गया था। फिर देखिए जरा, इसमें बताया गया है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया, ये इसकी व्याख्या भी सही है। आपको ये स्टोरी याद है, अगर आप किसी बच्चे ने मेरी पहले की जो क्लासेस देखी होंगी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्थानीय स्वशासन को लेके, या आप कह सकते हैं कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसको लेकर के महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के विचारों में क्या था, मतभेद था, ठीक है? महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के विचारों में क्या था, मतभेद था। अब देखिए मतभेद किस चीज को लेके था, ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि अंबेडकर जी का तर्क ये था कि अगर हम स्थानीय स्तर पर भी सरकारों को, स्थानीय स्तर पर भी क्या करेंगे, लोगों को पावर दे देंगे, तो ये अपनी पावर का क्या करेंगे, ये अपनी पावर का मिसयूज करने लगेंगे। इन्होंने ये तर्क क्यों दिया था, क्योंकि इनके कहने का मतलब ये था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो अस्पृश्यता, छुआछूत होती है, वो सबसे ज्यादा आपके गाँव में ही व्याप्त होती है, और अगर हम गाँव के लोगों को भी पावर दे देंगे तो छुआछूत जैसी जो भावना है वो बहुत तेजी से व्याप्त हो जाएगी। इसलिए क्या था, जो अंबेडकर जी थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि स्थानीय स्तर पर सरकारें ना हो, ठीक है? तो अंबेडकर जी के विरोध करने का रीजन आपको समझ में आया। दूसरा जो गांधी जी थे, गांधी जी का तर्क क्या था, गांधी जी का तर्क ये था, इन्होंने बोला कि हमें हमारे शासन के संचालन में जो निचले स्तर का व्यक्ति होता है इसे भी पता होना चाहिए, इसे भी शासन की संरचना से जुड़ाव महसूस होना चाहिए,
ठीक है। अब जब वो मान लीजिए निचले स्तर पर कोई दिक्कतें हैं, परेशानी है, समस्याएं हैं, तो जब वहां का कोई व्यक्ति शासन की संरचना से जुड़ा ही नहीं होगा तो हमें वहां की समस्याओं को कैसे पता चलेगा? जरा सोचिए, क्या दिल्ली में दिल्ली से कोई शासन कर रहा है और आपके यहाँ पे गाँव में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो वो कैसे पता चलेगा? कोई एक व्यक्ति, कोई एक लीडर तो होना चाहिए ना, जो एक चेन का काम कर सके, कनेक्टिंग चेन का वर्क कर सके, बीच का काम कर सके। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, इसके फेवर में थे। अब क्या हुआ, जब दोनों के विचारों में मतभेद था तो बीच का रास्ता अपनाया गया और इसको किस में रखा गया था, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन में। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये भी आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तब क्या किया गया, बीच का रास्ता अपनाया गया और जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में रखी गई, कि मतलब अगर कोई राज्य अपने राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं करना चाहता है तो नहीं कर सकता। इस पर क्या है, इस पर आपका राज्यों के ऊपर स्वायत्तता प्रदान की गई। तभी क्या था, देखिए इसी के तहत राजस्थान का नागौर जिला, ठीक है याद रखिएगा, राजस्थान का नागौर जिला कई बार एग्जामों में पूछा गया है, राजस्थान का नागौर जिला ग्राम पंचायत गठित करने वाला भारत का पहला राज्य था। अब देखिए ये तो तब की सिचुएशन हो गई, लेकिन समय के साथ ये देखा गया कि सच में जो स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं उन पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो समय के साथ बदले बदलाव को देखते हुए क्या किया गया, भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 किया गया, जिसके तहत क्या किया गया, जिसके तहत 11वीं अनुसूची, क्या 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची आप सभी लोगों को पता है ना किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची आपकी ग्राम पंचायतों से संबंधित है, जिसमें कितने विषय हैं, ठीक है, जिसमें आपके 29 विषय हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरी कहानी थी कि कैसे पहले बना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और आगे संविधान में दर्जा दिया गया। तो फिलहाल यहाँ पे आपका कथन और कारण दोनों सही है और उसकी क्या है, व्याख्या भी सही है, दोनों में लिख दिया है, नहीं है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक में काट लीजिए बेटा, ठीक है, एक में आप लोग काट लीजिए, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है, इन्होंने दोनों में ही नहीं नहीं है मेंशन कर दिया टाइपिंग एरर की वजह से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। इसको पढ़िए और आंसर दीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है। सभी लोग 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़िए और आंसर दीजिए कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है। देखिए यहां पे भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कि न्यायपालिका के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है आपको वो बताना है। सबसे पहले देखिए, भारत के संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह न्यायालयों की दोहरी प्रणाली का उपबंध नहीं किया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठन अलग अलग राज्यों में थोड़ा भिन्न है, ये भी आपका बिल्कुल, अधीनस्थ मतलब होता है आप देखिएगा ना, जैसे आपकी जो न्यायपालिका की स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, वो कैसी है, वो ट्रायंगल शेप में है, जिसके शीर्ष में सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे हाई कोर्ट है और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो ये सब आपकी अधीनस्थ न्यायालय कहलाती है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बताया गया है, फिर यहाँ पे तीसरा कह रहा है, भारतीय संविधान में प्रावधान है कि, भारतीय संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा,
कैसे गलत होगा, जरा देखिए, भारतीय संविधान में ये प्रावधान तो है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक राज्यों को मिला के एक राज्य होता है, एक उच्च न्यायालय होता है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सीधे लिखा है कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, ऐसा नहीं है, दो या दो से अधिक राज्यों को मिला के भी एक राज्य आपका एक उच्च न्यायालय हो सकता है और होता भी है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे पंजाब, हरियाणा का चंडीगढ़, फिर आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं, वहां पे भी आपकी संयुक्त आपकी हाई कोर्ट है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर आपराधिक और सिविल पक्ष के अधिकारियों के पदनाम एवं एकरूपता लाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए निर्देश जारी किया, ये भी सही है। फिलहाल आपको क्या बताना था यहाँ पे, आपको कौन सा सही नहीं है बताना था, तो आपका कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ना है और आंसर देना है आपको। 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है। भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय के लिए ऐतिहासिक घटना माना जाता है, उच्चतम न्यायालय के लिए बताना है कि उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से किस एक निर्णय के लिए ऐतिहासिक घटना माना जाता है। धर्म को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए साधन नियोजित नहीं किया जा सकता, देश की अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, संविधान को आधारभूत संरचना जैसे कि उद्देशिका में निरूपित है परिवर्तित नहीं की जा सकती है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कि कौन सा उच्चतम न्यायालय का एक केस था जो एक ऐतिहासिक घटना के रूप में बना। आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग क्या करेंगे, एक बार कमेंट करके बताइए। सभी लोग फास्ट कमेंट कीजिए, ठीक है, सभी लोग फास्ट कमेंट कीजिए कि क्या है आंसर इसका, 7 का आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। अभी तो फिलहाल एनसीईआरटी नहीं है प्रॉपर, लेकिन कुछ क्वेश्चन, कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो आपके एनसीईआरटी के हम ले लेते हैं, ठीक है। थैंक यू नीलम, थैंक यू सभी को, थैंक यू। सी आंसर दे रहे हैं, डी कौन है, विकास डी दे रहे हैं आप, सोनी आप डी दे रही हैं, डी गलत है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखो यहाँ पे जरा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे आधारभूत संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे आपने मूल ढांचे का सिद्धांत भी पढ़ा होगा, क्या मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत, केशवानंद भारती के, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973, ठीक है। ये क्या किया गया था आपका, ये मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था इसमें, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। 1973 केशवानंद भारती वाजदे से निकल के आया था। इसमें आप सभी लोगों को बताया गया कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हो या आप उद्देशिका में भी संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन जो उसके मूल ढांचे का विरोध करता है उसे हम संविधान का संशोधन नहीं मानेंगे। याद रखिएगा, मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है, मूल ढांचे का सिद्धांत ये कहता है कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं या उद्देशिका में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन जो उसके मूल ढांचे का विरोध करता है उसे हम संविधान का संशोधन नहीं मानेंगे। ये किस केस से आया, तो ये केस भी आप लोग याद रखिएगा, केशवानंद भारती, ये कब आया ये भी आपको पता होना चाहिए, या आपसे ये भी पूछ देता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया, तो केशवानंद भारतीवाद में ये कब आया, 1973 में आया। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के कौन से निर्णय में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, केशवानंद भारतीवाद मूल ढांचे का सिद्धांत, इसको तो आप लोग बता ही दोगे। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है, आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बताना है, 20 है, 25 है, 30 है, 31 है, सभी लोग बताओ इसका आंसर।
यहाँ के ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑप्शन प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। देखिए, जब कभी ऐसी सिचुएशन दिखा करे ना कि प्रॉपर आपको ऑप्शन ना दिखे, तो क्या आप लगाएंगे? तो जो जो प्रॉपर है उससे पहले वाला, ठीक है। वैसे प्रेजेंट टाइम में तो आपकी कितनी है यहाँ पे, आपको 1+33 का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे आपका 33 वाला नहीं दिया हुआ है और ऑप्शन आपका ई भी नहीं दिया है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन नंबर डी को प्रायोरिटी दे सकते हैं, 30+1। फिलहाल यहाँ पे जो वर्तमान अगर क्वेश्चन में पूछा है, तो वर्तमान आपका 1+33, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, यही मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे आपके ऑप्शन प्रॉपर टाइपिंग एरर की वजह से नहीं पूरे हैं, तो जो नियरेस्ट है तो आप 31 को प्रायोरिटी दे सकते हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको ये याद रखना है कि आपका 1+33 का कॉन्सेप्ट रहता है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। कब की सिचुएशन में? 2019 के। ये कब लाया? 2019 के विधेयक जब लाया था उसके बिहाफ पे ये चेंज किया गया था। तो यहीं पे आप लोग मुझे बता दीजिए कि वर्तमान में कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसको कमेंट कीजिए। और आप सभी लोगों को पता है इनकी मैक्सिमम एज कितनी होती है? 65 वर्ष। 62 सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट की कितनी होती है? सेवनविथ की 62 वर्ष होती है, उनकी 65 वर्ष प्रस्तावित होती है, ठीक है। ये इसका आंसर आप सभी लोग कीजिए। तो यहाँ पे आंसर आपको मिल गया होगा 1+33, और अगर नहीं है तो आपका 31 प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसको बताइए, इसको बताइए सभी लोग। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कब? जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालिक अवकाश पर जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होता है, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम, यहाँ पे कोरम है, कोरम नहीं पूरा होता है, ठीक है। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या है। आपको बताना है कि जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, बताइए सभी लोग। देखिए बिल्कुल सही, सबसे पहले देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 127 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 127 है, ये किसके बारे में बताता है? तदर्थ न्यायाधीशों की, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित क्या करता है? प्रावधान करता है। और तदर्थ का मतलब क्या होता है? तदर्थ का मतलब आपका होता है एक हिसाब से एडहॉक, मतलब टेम्परेरी आप कह सकते हैं, कि जब आपको जरूरत पड़ी आपने तब अपॉइंट किया और जैसे ही जरूरत पड़ी आपने समाप्त कर दिया। तो ये कब होता है? ये सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति के संदर्भ में ये तब होता है कि जब किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है, ठीक है, मतलब एटलीस्ट जितने मेंबर्स चाहिए उतने पूरे नहीं होते हैं, तब आप क्या करते हैं? तब आप तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और याद रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के संदर्भ में नहीं है ये चीजें, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय में ही क्या है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, हाई कोर्ट के संदर्भ में नहीं। जब उनका कोरम पूरा नहीं होता है तब आप क्या करते हैं? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। इसको बताइए, इसको आंसर दीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, वेतन आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा। आप मुझे यहाँ पे बताइए कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों के हैं उनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, उनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? इनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? बिल्कुल पार्लियामेंट। मैक्सिमम लोग पार्लियामेंट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो उच्चतम न्यायालय है जो न्यायाधीशों की वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो संसद द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संसद द्वारा किसकी वेतन का निर्धारण किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन का। और बिल्कुल भारतीय संविधान की जो अनुसूची कौन सी है जिसमें जिसमें वेतन की बात किया गया है? तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची दो है, ठीक है, भारतीय संविधान की जो अनुसूची दो है वो किसके बारे में बताती है? अनुसूची दो दो है वो किसके बारे में बताती है? ये आपकी वेतन एवं भत्ते के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? वेतन एवं भत्ते के बारे में बताती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये आपका संसद द्वारा निर्धारित होता है। इसको बस आंसर दे दीजिए। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपको बताना है यहाँ पे राज्यों में विधान परिषद जो है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, 7 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, ठीक है। तो कितना होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि विधान परिषद में यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है तो उसमें हम 6 वर्ष मानेंगे, ये याद रखिएगा। और आप सभी लोगों को ये भी पता है ना कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? वर्तमान में कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में। याद रखिएगा विधान परिषद भारत के पूरे राज्यों में नहीं है, ठीक है, विधान परिषद भारत के प्रत्येक राज्य में नहीं है। कितने में है? वर्तमान में 6 राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद, 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था, यूपी, बिहार का एटीएम, यूपी बिहार का एटीएम। तो देखिए जरा, यूपी बिहार के एटीएम में आपने क्या देखा? यूपी से आपका यूपी हो जाएगा, बिहार से आपका बिहार हो जाएगा, के से आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक। आप ही लोग बताएंगे, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये बहन आप लोगों को बताया था ना, क्या बता रहे हो भाई आप लोग? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। बिल्कुल पूजा, हम सुपर डेट का भी स्टार्ट करेंगे, फिलहाल तो अभी जहाँ पे क्लास लगता है उसी पे हैं, और ये सब चीज़ें सर लोग ही डिसाइड करते हैं, इस पे मेरा कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात का सम्मान हो। चलिए फिलहाल तो इसका आंसर आपको मिल गया, सभी लोगों को इसका आंसर मिल गया, ठीक है। अब देखिए जरा, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर हम अपने नए क्वेश्चंस के साथ आप सभी लोगों के बीच उपस्थित होंगे। वंस अगेन, जाते जाते फिर से आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। कल फिर अपने नए क्वेश्चंस के साथ आप सभी लोगों के बीच उपस्थित होंगे। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा, और थैंक यू आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। हार्डली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, सभी को थैंक यू, सभी को।